सूर्य लाजवाब शानदार डू और डाई के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंकाई पर मचा दी कहर और हार्दिक पांड्या की टोली ने कर दी सीरीज पर अपना नाम। हाय दोस्तों, क्या जबरदस्त रहा तीसरा T20 मुकाबला। भले श्रीलंकाई बल्लेबाज ने कुछ कारनामा न दिखा पाए, लेकिन हमारे भारत के सूर्य कुमार यादव यानी स्काई ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर अपना कहर जमा दी। भले ही कोई बैट्समैन चले या न चले, लेकिन सूर्य का बल्ला माशा अल्लाह। सूर्या एक बार फिर शतक बनाकर T20 में फर्स्ट रैंकिंग पर अपना नाम को साबित कर दिया कि आखिर सूर्य कुमार यादव T20 रैंकिंग में क्यों फर्स्ट बैट्समैन है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे T20 मुकाबले में, जिसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका पर शानदार जीत कर ली। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और ओपनिंग करने आए ईशान किशन और शुभमन गिल। और महज पहले ही ओवर में ईशान किशन ने टीम इंडिया को एक बार फिर निराश किया और महज एक रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद आए राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने आते ही हल्ला बोल दिया। ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी समय से मैच खेल रहे हैं और उसने ज़्यादा लंबी पारी नहीं लेकिन 35 रनों की पारी खेली और वो भी आउट हो गए। उसके बाद आए स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आते ही श्रीलंकाई के गेंदबाजों की धज्जा उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और सूर्य कुमार यादव को आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य कुमार यादव जब मारना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं। और सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेलते हुए अपने करियर का तीसरा सेंचुरी बना डाली। और सूर्य कुमार यादव ने इस इनिंग में 51 बॉलों की सामना की और शानदार 112 रन की नबाद शतकीय पारी खेली, जिसमें सूर्य ने 7 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। और दूसरे स्कोरर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने भी 46 रन बनाकर आउट हो गए। और लास्ट में दिखा अक्षर पटेल का शो। अक्षर पटेल का ज़्यादा लंबा शो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भी 21 रनों का योगदान दिया और इस तरह से टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर श्रीलंका के सामने 228 रन बना डाली और श्रीलंका को 229 रनों का लंबा और हाईएस्ट रन चेस करने के लिए स्कोर बोर्ड पे लगा दिया। और फिर आई श्रीलंकाई टीम और श्रीलंका के प्लेयर भी आते ही अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वह जलवा ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और महज 5वें ओवर में ही अक्षर पटेल ने कुशल मेंडिस को अपने शिकार बना दिया। और उसके बाद पावर प्ले के लास्ट ओवर लेकर आए और सिदीप सिंह, जिन्होंने दूसरे T20 मुकाबले में 5 नो बॉल दिए थे और उसमें से एक हैट्रिक नो बॉल दिए थे, लेकिन इस बार वह गलती नहीं किए और अपने दूसरे ओवर में ही ओपनर बल्लेबाज पाथम निशंका को अपना शिकार बना दिया। और उसके बाद श्रीलंकाई के बैट्समैन ने एक के बाद एक झड़ते चले गए और टीम इंडिया ने श्रीलंका के बैट्समैनों पर दबदबा बना दिया और श्रीलंका की टीम ने इस तरह से 137 रनों पर ऑल आउट हो गए, जिसमें भारत के गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। और उसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में सबसे महंगे साबित होने वाले अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर 4 गेंदों में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। और उसके बाद तूफान की तरह गेंदबाजी करने वाले उमरान मलिक ने भी 3 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन देकर 2 विकेट लिए। और उसके बाद फिर की युजेंद्र चहल ने भी 3 ओवर गेंदबाजी की और 30 रन देकर 2 विकेट लिए। और इस तरह से टीम इंडिया ने 137 रनों पर श्रीलंका को ऑल आउट करके यह मुकाबला 91 रनों से जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर लिया। तो हाय दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। और हम अगले वीडियो में इसी जो जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।